नमस्कार साथियों, मैं शुभम उपाध्याय आप सबका का स्वागत करता हूं एग्जाम कार्ड लाइव चैनल पे। और आज मैं आप सब लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं 14 मार्च को जो पेपर हुआ है आपका एसएससी सीएचएसएल का, उसका इंग्लिश का सॉल्यूशन लेके। ठीक है, तो अब हम एक एक करके अपने क्वेश्चंस पे लेकर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, पहला ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 1 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। एक शब्द दिया हुआ मुझे, उसका एंटोनियम बताना है। तो देखो, इंटरफियर, इंटरफियर इस शब्द का अर्थ होता है हस्तक्षेप करना, इस शब्द का अर्थ होता है हस्तक्षेप करना। ठीक है, अब मुझे इसका एंटोनियम बताना है। तो देखो, पहला ऑप्शन दिया है मेरे पास इंटरसीड, इंटरसीड इसका अर्थ होता है रक्षा करना, इसका अर्थ होता है रक्षा करना। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है जैम, जैम का अर्थ होता है मुरब्बा, खाने वाला। ठीक है, जैम का अर्थ होता है मुरब्बा। चौथा ऑप्शन दिया है हैम्पर, हैम्पर का अर्थ होता है बाधा डालना अथवा रुकावट डालना, बाधा डालना। ठीक है, हैम्पर का अर्थ होता है बाधा डालना। अब देखो, एक ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास ऑप्शन नंबर सेकंड में, उन्नत, एडवांस, एडवांस, एडवांस का अर्थ होता है उन्नति करना, एडवांस का अर्थ होता है उन्नति करना। यदि मैं किसी काम, किसी व्यक्ति के काम में हस्तक्षेप नहीं करूँगा, हस्तक्षेप नहीं करूँगा, तो उसका उल्टा क्या होगा, उन्नति करना। तो जो सही ऑप्शन है वो है मेरा ऑप्शन नंबर सेकंड, एडवांस, एडवांस का अर्थ होता है उन्नति करना, इंटरफियर का अर्थ होता है हस्तक्षेप करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सही ऑप्शन है मेरा वो है ऑप्शन नंबर सेकंड। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। देखो, चूज द सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर, चूज द सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर, मुझे स्पेलिंग एरर चेक करनी है। देखो, सेकंड में दिया दे वर इररिस्पॉन्सिबल, इररिस्पॉन्सिबल का अर्थ होता है गैर जिम्मेदार, इसकी स्पेलिंग इसमें गलत है, इन परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़, ये मेरी स्पेलिंग सारी सही है। अब देखो, दे वर इररिस्पॉन्सिबल, इसमें ये भी यही स्पेलिंग गलत कर दी है। ठीक है, अब देखो, दे वर इररिस्पॉन्सिबल इन परफॉर्मिंग देयर, देयर की स्पेलिंग गलत है, ड्यूटीज़ की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, तो अब देखो, सही सेंटेंस कौन सा है मेरा, सही सेंटेंस है मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दे वर इररिस्पॉन्सिबल इन परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज, दे वर इररिस्पॉन्सिबल इन परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज, वे अपनी कर्तव्यों को निभाने में असमर्थ थे, वे अपने कर्तव्यों को निभाने में गैर जिम्मेदार थे, इररिस्पॉन्सिबल का अर्थ होता है गैर जिम्मेदार, वे अपने कर्तव्यों को निभाने में गैर जिम्मेदार थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो सही ऑप्शन हुआ वो हुआ मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है, इम्प्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, चूज नो इम्प्रूवमेंट एज एन आंसर इफ द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, मुझे ऑब्वियस बात है इसमें एरर फाइंड करना है। तो देखो, हिज फादर वाज फ्यू प्राउड ऑफ हिज पावर ओवर द हॉर्स, हिज फादर वाज फ्यू प्राउड, उसके पिता जो थे वह कुछ, प्राउड का अर्थ होता है किसी पे घमंड करना, ऑफ हिज पावर ओवर द हॉर्स, ऑफ हिज पावर ओवर द हॉर्स। अब देखो, मच प्राउडेस्ट, इसमें मैंने सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले मैं मच, मोर, वेरी, एवरी इस सब का प्रयोग नहीं करता, तो ये ऑप्शन देखो गलत हो गया मेरा। वेरी प्राउडली, दो एडवर्व का प्रयोग मैं एक साथ कर रहा हूँ, प्राउडली भी एडवर्व है, वेरी भी एडवर्व है। ठीक है, तो इन दोनों शब्दों का प्रयोग मैं एक साथ नहीं कर सकता, ये ऑप्शन गलत हो गया। नो, थर्ड में दिया हुआ है नो इम्प्रूवमेंट, लेकिन चौथा ऑप्शन दिया हुआ है वेरी प्राउड, वेरी प्राउड, वेरी प्राउड, वेरी प्राउड, चौथा ऑप्शन दिया हुआ वेरी प्राउड, तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर फोर्थ, वेरी प्राउड। अब देखो, फ्यू, फ्यू का प्रयोग मैं क्या करता हूँ, प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए मैं प्रयोग करता हूँ। ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए मैं प्रयोग करता हूँ, तो हिज फादर वाज फ्यू प्राउड ऑफ हिज, ऑफ हिज पावर ओवर द हॉर्स। ठीक है, तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ऑप्शन नंबर फोर्थ, वेरी प्राउड, वेरी प्राउड, हिज फादर वाज वेरी प्राउड ऑफ हिज फादर, उसके पिता अपनी शक्ति के लिए बहुत खुद को अच्छा महसूस करते थे, ओवर द हॉर्स, घोड़े के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही ऑप्शन हुआ मेरा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। अब देखो, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है, ओवरली कंसर्न्ड विद मिनट डिटेल्स ऑफ फॉर्मेलिज्म, फॉर्मेलिज्म इस शब्द का अर्थ होता है, फॉर्मेलिज्म शब्द का अर्थ होता है रीतिवाद, फॉर्मेलिज्म शब्द का अर्थ होता है रीतिवाद। ठीक है, फॉर्मेलिज्म शब्द का अर्थ होता है रीतिवाद। अब देखो, ओवरली कंसर्न, अत्यधिक चिंतित होना, अत्यधिक चिंतित होना, वे एक एक मिनट की डिटेल्स के साथ रीतिवाद पर अत्यधिक चिंतित होना। तो देखो, पहला शब्द दिया हुआ मेरे पास
बोहेमियन, बोहेमियन इसका अर्थ होता है रूढ़ि मुक्त, इसका अर्थ होता है रूढ़ि मुक्त, रूढ़ि मुक्त इसका अर्थ ये हुआ जो कि रूढ़ बाधाओं से मुक्त है, फ्री है। रेप्सोडिक इसका अर्थ होता है उल्लासित, इसका अर्थ होता है उल्लासित, ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है ब्लास्फेमी, इसका अर्थ होता है ईश्वरीय निंदा, ईश्वरीय निंदा, इसका अर्थ होता है ईश्वरीय निंदा, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास तीन ऑप्शन थे, तीन ऑप्शन में पहला ऑप्शन कह रहा है रूढ़िमुक्त, दूसरा ऑप्शन कह रहा है उल्लासित, तीसरा कह रहा है ईश्वरीय निंदा। लेकिन मुझसे पहला जो दिया है ओवरली कंसर्न्ड विद मिनट डिटेल्स ऑफ फॉर्मल, रीतिवाद पर अत्यधिक किसी विषय को प्रत्येक मिनट की डिटेल के साथ अत्यधिक चिंतित होना, तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ऑप्शन नंबर फोर्थ पीडेंटिक, इसका अर्थ होता है पंडिताऊ, इसका अर्थ होता है पंडिताऊ। जो पुराने ज़माने के ब्राह्मण लोग वगैरह होते हैं वो अपने रीति रिवाजों के लिए बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं, अगर उन्हें कहीं भी गलत लगता है तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर एक ऐसी जागृति बहुत जागृत हो जाती है जो उन्हें चिंतित कर देती है, ठीक है। तो देखो सही ऑप्शन कौन सा हुआ मेरा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ऑप्शन नंबर फोर्थ पीडेंटिक पंडिताऊ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर, देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ दिया हुआ है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेज द मीनिंग ऑफ ईडियम, एक फ्रेज दी हुई है मुझे जिसका मुझे सही अर्थ बताना है। अब देखो वंस इन अ ब्लू मून, इसका अर्थ होता है ईद का चांद होना, ईद का चांद होना, मतलब जो व्यक्ति कभी कभी दिखता है वंस इन अ ब्लू मून, अथवा कोई काम कभी कभी करता है तो उसका अर्थ हुआ ईद का चांद होना। अब देखो पहला ऑप्शन दिया है मेरे पास वंस अ वीक, वंस अ वीक हफ्ते में एक बार, हफ्ते में एक बार, वंस अ डे, वंस अ वीक का अर्थ होता है हफ्ते में एक बार, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया है वंस अ डे दिन में एक बार, दिन में एक बार, है ना। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली का अर्थ होता है अक्सर, फ्रीक्वेंटली का अर्थ होता है अक्सर, मतलब जो काम मैं लगातार कभी कभी कुछ टाइम इंटरवल पर करता रहता हूँ। तो यही वंस इन ए ब्लू मून, ईद का चांद होना का जो अर्थ होता है उसमें कहीं एक स्पेसिफिक किया तो नहीं है इसने कि एक हफ्ते में देखना है या एक दिन में कोई काम करना, तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा रेयरली, रेयरली का सही अर्थ होता है कभी कभार, रेयरली का अर्थ होता है कभी कभार, रेयरली का अर्थ होता है कभी कभार, ठीक है। तो जो सही ऑप्शन होगा मेरा फिफ्थ का वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ रेयरली, ऑप्शन नंबर फोर्थ रेयरली, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ पर, देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स दिया है मेरे पास चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड, एक शब्द दिया हुआ है मुझे उस शब्द का मुझे सही अर्थ बताना है, मीन वही मतलब सिनोनियम बताना है मुझे, ठीक है। तो देखो पैसिफिक, पैसिफिक शब्द दिया हुआ है पैसिफिक, इसका अर्थ होता है शांत, पैसिफिक का अर्थ होता है शांत, ठीक है। अब देखो पहला ऑप्शन है मेरा इनिमिकल, इनिमिकल इसका अर्थ होता है विरोधी, इनिमिकल इसका अर्थ होता है विरोधी, विरोधी, ठीक है, इनिमिकल का अर्थ होता है विरोधी। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है शेफिंग, शेफिंग इसका अर्थ होता है झुंझलाना, शेफिंग का अर्थ होता है झुंझलाना, ठीक है, शेफिंग का अर्थ होता है झुंझलाना। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है बेलिकोज, बेलिकोज इसका अर्थ होता है लड़ाकू, बेलिकोज का अर्थ होता है लड़ाकू, ठीक है। तो मुझसे देखो सुनोनी पूछा था पैसिफिक का, पैसिफिक का अर्थ क्या होता है शांत, पैसिफिक का अर्थ होता है शांत। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास मॉलीफाइंग, मॉलीफाइंग का अर्थ होता है शांत करना, शांत रहना, ठीक है, मॉलीफाइंग का अर्थ होता है शांत रहना, मॉलीफाइंग का जो सही अर्थ होता है वो होता है मेरा शांत रहना। तो मेरा पैसिफिक का सही सुनोनियम क्या हुआ, पैसिफिक का सही सुनोनियम हुआ मेरा मॉलीफाइंग, मॉलीफाइंग का अर्थ होता है शांत रहना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का सही ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर टू। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंथ पर, देखो अब क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेवन है सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है ये, अब हमें सही फॉर्म बताने। देखो द लॉयर सेड दैट योर केस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वकील ने कहा कि आपका केस बहुत गंभीर है, आपका केस बहुत गंभीर है। तो देखो योर केस इज़ वेरी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को जब भी मैं करता हूँ तो सिंपल प्रेजेंट जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज होता है, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज होता है। तो देखो योर केस इज़ वेरी, ये मेरा सिंपल प्रेजेंट है यहाँ, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट, और सिंपल प्रेजेंट को मैं चेंज किस में करता हूँ, सिंपल प्रेजेंट को
मैं चेंज में कर किस में करता हूँ, सिंपल पास्ट में, सिंपल प्रेजेंट को चेंज करता हूँ मैं सिंपल पास्ट में। तो अब देखो, द लॉयर रिपोर्टेड दैट माई केस इज़ वेरी, यहाँ पे इसने सिंपल पास्ट ही यूज़ करके रख दिया है, ये भी गलत हो गया। अब देखो, द लॉयर वार्न्ड, वार्न्ड का अर्थ होता है किसी को, वार्न्ड का अर्थ होता है किसी को चेतावनी देना, द लॉयर वार्न्ड, तो ये नॉर्मल सेंटेंस एक उसने कहा है, द लॉयर सेड योर केस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तो यहाँ वार्न का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। द लॉयर सेड दैट माई केस हैड बीन, देखो यहाँ सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किया था, सिंपल प्रेजेंट बदलता किस में, सिंपल पास्ट में, तो यहाँ इसने क्या कर दिया, केस हैड बीन, ये पास्ट परफेक्ट में पहुँच गया, हैड बीन वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो ये जो सही ऑप्शन होगा मेरा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड, द लॉयर सेड दैट, लॉयर ने कहा माई केस वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, माई केस वर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। पहला यही है कि सिंपल पास्ट को मैं सिंपल प्रेजेंट जो था उसको मैं सिंपल पास्ट में चेंज कर दिया, तो देखो सिंपल प्रेजेंट जो था सिंपल पास्ट में चेंज हो गया, यहाँ के योर केस की जगह माई केस हो गया, ठीक है। तो जो सही ऑप्शन है मेरा वो है मेरा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर एट्थ पर, देखो क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट क्या दिया है, चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह दिया हुआ है जिसके लिए मैं एक शब्द प्रयोग करना है, अफेक्टिंग ऑल और मोस्ट पीपल प्लेसेस और थिंग, अफेक्टिंग ऑल और मोस्ट पीपल प्लेसेस, जगह वह जगह, अफेक्टिंग, अफेक्टिंग अर्थ होता है प्रभाव डालना, प्रत्येक व्यक्ति अथवा सभी अथवा ज़्यादातर व्यक्ति वस्तुओं और स्थानों पर जो प्रभाव डालता है, ठीक है। अब देखो पर्टेन, पहला शब्द दिया हुआ है पर्टेन, पर्टेन का अर्थ होता है संबंधित, पर्टेन का अर्थ होता है संबंधित। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ पर्टिकुलर, पर्टिकुलर का अर्थ होता है विशिष्ट अथवा विशेष, ठीक है, पर्टिकुलर का अर्थ होता है विशिष्ट अथवा विशेष। चौथा ऑप्शन दिया हुआ जेनर, इसका अर्थ होता है शैली, जेनर इसका अर्थ होता है शैली, ठीक है, इसका क्या अर्थ होता है शैली। तो मुझसे अफेक्टिंग और ऑल और मोस्ट पीपल प्लेसेस और थिंग, जो अत्यधिक अथवा सभी जगह स्थान अथवा व्यक्तियों को प्रभावित करता है, तो इसका क्या होगा, इसका अर्थ होगा सामान्य, जो कॉमन है हर चीज़ में, जो व्यक्ति हर, और नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो जो चीज़ कॉमन है वो सब में पाई जाती है, जो चीज़ कॉमन है वो सब में पाई जाती है, तो वही कह रहा है यहाँ अफेक्टिंग ऑल और मोस्ट पीपल प्लेसेस थिंग। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर थर्ड जनरल, ऑप्शन नंबर थर्ड जनरल, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्थ पर, देखो इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द, एक एडियम में फ्रेज दी हुई है मुझे जिसका मुझे अर्थ बताना है, ठीक है। ए प्रोपोज ऑफ नथिंग, इसका अर्थ होता है कोई संबंध न होना, कोई संबंध न होना, अथवा इसको मैं क्या कह सकता हूँ, असंबद्ध होना, असंबद्ध होना, असंबद्ध होना, ठीक है। तो अब देखो मुझे अर्थ देखना है इसका, एनी डिफिकल्ट सिचुएशन और ऑब्स्टेकल, डिफिकल्ट सिचुएशन का अर्थ होता है कठिन परिस्थिति अथवा रुकावट, कोई कठिन परिस्थिति अथवा रुकावट, कोई कठिन परिस्थिति अथवा रुकावट, ठीक है, कोई कठिन परिस्थिति अथवा रुकावट। दूसरा ऑप्शन दिया है ऑलमोस्ट एवरीथिंग एंड एनीथिंग हैज़ बीन इंक्लूडेड, इसका अर्थ हुआ प्रत्येक चीज़ जो सम्मिलित कर ली गई है, प्रत्येक चीज़ जो सम्मिलित कर दी गई है। दूसरा ऑप्शन तो दिया गया है ऑलमोस्ट एवरीथिंग एंड एनीथिंग हैज़ बीन इंक्लूडेड, प्रत्येक चीज़ जो सम्मिलित कर ली गई है। टू बी इनरेज्ड, बढ़ा देना, इनरेज का अर्थ होता है बढ़ा देना, ठीक है, इनरेज्ड का अर्थ होता है बढ़ा देना। तो जो मेरा सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड है हैविंग नो रिलीवेंस टू एनी प्रीवियस डिस्कशन और सिचुएशन, जिसका आप पिछले डिस्कशन से अथवा पिछली स्थिति से कोई संबंध नहीं होता, कोई संबंध नहीं होता, हैविंग नो रिलीवेंस, कोई संबंध न होना, टू एनी प्रीवियस डिस्कशन, पिछले डिस्कशन से अथवा पिछली स्थिति से कोई संबंध न होना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर टेंथ पर, देखो क्वेश्चन नंबर टेंथ क्या दिया है, साइंटिस्ट हैव अ फ्यू ट्रिक, वैज्ञानिकों के पास कुछ ऐसे तरीके हैं, अप देयर स्लीव्स, उनके आस्तीन में कुछ ऐसे तरीके हैं फॉर डीलिंग विद द यूनिवर्स अदर ऑब्जेक्ट।
ग्लोब के अर्थात ब्रह्मांड के कुछ ऐसे अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पिंड होते हैं, उनसे उनसे तरकीब उनसे डील करने के लिए उनके पास कई सारी तरकीबें हैं। तो अब देखो मुझे एरर ढूंढना है। दूसरा ऑप्शन देखो, साइंटिस्ट्स हैव अ फ्यू ट्रिक्स, वैज्ञानिकों के पास कुछ तरकीबें हैं। देयर स्लीव्स फॉर डीलिंग विद, देयर स्लीव्स का अर्थ होता है उनके आस्तीन में कुछ ऐसी तरकीबें हैं जिनसे वो ट्राई कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन दिया है नो एरर। अब देखो जहाँ गलती है वो है यहाँ पे पंक्चुएशन की गलती, पंक्चुएशन की गलती। तो देखो जहाँ पंक्चुएशन किया गया है इसमें, द यूनिवर्स अदर ऑब्जेक्ट, द यूनिवर्स अदर ऑब्जेक्ट, साइंटिस्ट हैव अ फ्यू ट्रिक्स अप देयर स्लीव्स फॉर डीलिंग विद द अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ यूनिवर्स, 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 द अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, क्वेश्चन नंबर 11 पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है मेरा, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, सेलेक्ट द वर्ड सेगमेंट दैट सब्स्टिट्यूट या रिप्लेसेस द ब्रैकेटेड वर्ड सेगमेंट। अब मुझे एक शब्द दिया हुआ था कोष्टक में, उसको देखो चेंज कर दूं अथवा वो उसी की जगह पर कोई दूसरा शब्द रख सकता हूं मैं। देखो ए नेम स्ट्रॉन्ग लाइक द लैंड, एक नाम, एक नाम जो भूमि की तरह मजबूत है, एक नाम जो भूमि की तरह मजबूत है, एक नाम दैट नोन हाउ टू इंड्योर, जो जानता था कैसे सहन करना है, जो जानता था कैसे सहन करना है, एक नाम जो भूमि की तरह मजबूत है, ए नेम एक नाम दैट नो जो जानता है हाउ टू इंड्योर, हाउ टू इंड्योर कैसे सहन करना था। तो अब देखो दैट एजुकेटिंग, दैट एजुकेटिंग जो शब्द मुझे सब्सिट्यूट करना है, दैट एजुकेटिंग, एजुकेटिंग का अर्थ होता है शिक्षित करना, दैट हैज़ लर्न जिसने सीखा है, जिसने सीखा है, दैट हैज़ लर्न, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। चौथा ऑप्शन दिया है नो करेक्शन रिक्वायर्ड, तो इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो है यहाँ पर दैट नो, दैट न्यू की नो की जगह पर जो आएगा वो आएगा दैट न्यू, दैट न्यू, नो की जो सेकेंड फॉर्म होती है न्यू उसका प्रयोग करूँगा मैं। ए नेम स्ट्रॉन्ग लाइक द लैंड, एक नाम जो भूमि की तरह मजबूत है, एक नाम जो जानता था कैसे सहन करना है, जो जानता था कैसे सहन करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट न्यू, दैट न्यू में मेरा एरर था। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, क्वेश्चन नंबर 12 दिया है मेरा, द थीफ्स एंटर्ड ए हाउस, इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, चूज नो इम्प्रूवमेंट एज एन आंसर इफ द, अब मुझे एरर सेलेक्ट करना है इसमें, ठीक है, एरर देखना है। देखो द थीफ्स एंटर्ड अ हाउस, चोर जो थे वो एक घर में घुसे, एट नाइट रात में एक घर में घुसे, एंड डीकैम्प्ड विद द वैल्यूएबल वर्थ रेट 50,000, डीकैम्प विद द वैल्यूएबल वर्थ रेट 50,000। डीकैम्प का अर्थ होता है रफू चक्कर होना, 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 ठीक है। वैल्यूएबल, वैल्यूएबल का अर्थ होता है मूल्यवान, वैल्यूएबल का अर्थ होता है मूल्यवान वस्तुएं, ठीक है, वैल्यूएबल्स का अर्थ होता है मूल्यवान वस्तुएं, वैल्यूएबल्स का अर्थ होता है मूल्यवान वस्तुएं, वैल्यूएबल्स का अर्थ होता है मूल्यवान वस्तुएं, ठीक है, वैल्यूएबल्स का अर्थ होता है मूल्यवान वस्तुएं। अब देखो द थीफ एंटर्ड हाउस, चोर जो थे वो एक घर में घुसे, एट नाइट रात में, एंड डीकैम्प्ड विद वैल्यूएबल। अब देखो नो इम्प्रूवमेंट पहला ऑप्शन, डीकैम्पिंग विद वैल्यूएबली, वैल्यूएबली, वैल्यूएबली जो शब्द होता है इसका कोई अर्थ नहीं होता, इसका होता है मूल्यवान। एक शब्द मैंने यहाँ दो शब्द लिखे हैं, एक होता है डीकैम्प, एक होता है वैल्यूएबल्स, इसका अर्थ होता है रफू चक्कर होना और इसका अर्थ होता है मूल्यवान वस्तुएँ। तो देखो डीकैम्प विद, यहाँ रात में चोर घुसे थे, रात में चोर घुसे थे, तो यहाँ जो मैंने प्रयोग कर रहा हूँ ये काम जो हुआ है ये रात में हुआ, मतलब मेरा काम जो हुआ वो हुआ पास्ट में, वो हुआ है पास्ट में, ठीक है। द थीव्स एंटर्ड अ हाउस एट नाइट एंड डीकैम्प्ड विद वैल्यूएबल्स, और 50,000 रुपये की मूल्यवान वस्तुओं के साथ रफू चक्कर हो गए, 50,000 रुपये की मूल्यवान वस्तुओं के साथ रफू चक्कर हो गए। तो जो मेरा सही ऑप्शन है वो है मेरा ऑप्शन नंबर 4, डीकैम्प्ड विद वैल्यूज, डीकैम्प्ड विद वैल्यूज। तो सही, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13 पर,
देखो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक विद एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, पांडवाज रिटर्न टू हस्तनापुर, पांडव जो थे वो हस्तनापुर वापस आए आफ्टर देयर 13 ईयर्स, आफ्टर देयर 13 ईयर्स अपने 13 वर्ष के बाद, आफ्टर देयर 13 ईयर्स। अब देखो इस फिल इन द ब्लैंक जो ऑप्शन दिया हुआ मुझे इसमें क्या बेहल करना है। देखो एसेप्टेंस, एसेप्टेंस का अर्थ होता है स्वीकारोक्ति, एसेप्टेंस का अर्थ होता है स्वीकारोक्ति। ठीक है, स्वीकारोक्ति। देखो थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है एमिनेंस, एमिनेंस का अर्थ होता है महानता, एमिनेंस का मेरा अर्थ होता है महानता, एमिनेंस का अर्थ होता है महानता। चौथा होता है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट का अर्थ होता है मनोरंजन। ठीक है, एक शब्द दिया हुआ है मेरे पास ऑप्शन नंबर सेकंड में एग्जाइल, एग्जाइल, एग्जाइल का अर्थ होता है वनवास, एग्जाइल का अर्थ होता है वनवास। ठीक है, तो पांडवाज रिटर्न टू हस्तनापुर, पांडव हस्तनापुर वापस आए आफ्टर देयर 13 ईयर्स ऑफ एग्जाइल, अपने 13 वर्ष के वनवास के बाद पांडव हस्तनापुर वापस आए थे। ठीक है, तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर सेकंड एग्जाइल, एग्जाइल का अर्थ होता है वनवास। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 14, मेरे पास दिया हुआ है रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। देखो सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में कैसे करता हूँ, सब्जेक्ट, फिर लेता हूँ मैं हेल्पिंग वर्ब, फिर लेता हूँ मैं मेन वर्ब, फिर लेता हूँ ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन। तो अब देखो अमेरिकन पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स मार्कर मैनकर ओल्सन हु रोट इन 1965। ठीक है, देखो पी कह रहा है द प्रॉब्लम्स ऑफ कलेक्टिव एक्शन, द प्रॉब्लम्स ऑफ कलेक्टिव एक्शन, सामूहिक निर्णय लेने की, सामूहिक निर्णय लेने की समस्याएं, वर पॉपुलराइज्ड, वर पॉपुलराइज, फेमस हुई थी, मतलब फेमस हुई थी, वर पॉपुलराइज्ड बाई द, बाई द। अब देखो पहला ऑप्शन दैट कोअर्सियन ऑफ सम अदर एडवाइस, दैट कोअर्सियन ऑफ सम अदर एडवाइस। तो देखो द प्रॉब्लम्स ऑफ कलेक्टिव एक्शंस वर पॉपुलराइज्ड, तो ये जो पूरा है द प्रॉब्लम्स ऑफ कलेक्टिव, द प्रॉब्लम्स ऑफ कलेक्टिव, द प्रॉब्लम्स ऑफ कलेक्टिव एक्शंस वर, ये मेरा एक सब्जेक्ट की तरह प्रयोग कर रहा हूँ मैं इसका, द प्रॉब्लम्स ऑफ कलेक्टिव एक्शन, द प्रॉब्लम्स ऑफ कलेक्टिव एक्शन, इसको मैं एक सब्जेक्ट की तरह प्रयोग कर रहा हूँ। तो ये जो मेरा होगा ये होगा मेरा पहला सेंटेंस, पहला सेंटेंस क्या होगा मेरा क्यू, पहला सेंटेंस होगा मेरा क्यू। ठीक है, द प्रॉब्लम्स ऑफ कलेक्टिव एक्शंस वर पॉपुलराइज्ड बाई द अमेरिकन पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट, अमेरिका के राजनीतिक अर्थशास्त्री जो थे मैनकर ओल्सन, मैनकर ओल्सन हु रोट इन 1965, जिन्होंने 1965 में लिखा था। तो इसके जस्ट अगला वाला क्या होगा, अगला वाला होगा मेरा क्यू के बाद पी, पी हु रोट इन 1965, दैट कोअर्सियन, दैट कोअर्सियन और सम अदर डिवाइस मस्ट बी प्रेजेंटेड। ठीक है, तो इसके जस्ट अगला क्या होगा, इसके बाद होगा क्यू पी आर आर। अब एक बचा मेरे पास एस। ठीक है, तो मैं किसी भी सेंटेंस की अगर शुरुआत करता हूँ तो उसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, तो मैं यहाँ जो शुरू कर रहा हूँ द प्रॉब्लम्स ऑफ कलेक्टिव एक्शंस वर पॉपुलराइज्ड। ठीक है, अब देखो यहाँ दैट किसी एक प्रोनाउन से मैं शुरुआत कर नहीं सकता, द कोर्सिन ऑफ और सम अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर अ ग्रुप ऑफ, यहाँ मैंने प्रीपोजिशन का प्रयोग किया है, फॉर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 14 क्यू पी आर एस, क्यू पी आर एस। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, 15 क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ मेरा फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सूटेबल वर्ड, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सूटेबल वर्ड। अब देखो स्टिल फ्लैसिड, फ्लैसिड का अर्थ होता है कमजोर, फ्लैसिड, फ्लैसिड का अर्थ होता है कमजोर, फ्लैसिड का अर्थ होता है कमजोर। ठीक है, एसिड एंड फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम लैक ऑफ ब्लड, खून की कमी से, ई डी एम्बर्ड स्लोली इन फ्रंट ऑफ द वॉल, लड़खड़ाते हुए, लड़खड़ाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा, दरवाजे की तरफ बढ़ा। ठीक है, तो अब देखो ऑप्शन में क्या है, लेविटी, पहला ऑप्शन दिया हुआ लेविटी, लेविटी का अर्थ होता है छिछोरापन, लेविटी, लेवी, लेवी का अर्थ होता है अकेला, इंडिविजुअल। ठीक है, लेवी का अर्थ होता है अकेला अथवा इंडिविजुअल। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है लिबरल, लिबरल का अर्थ होता है उदारवादी, लिबरल का अर्थ होता है उदारवादी।
लिबरल का अर्थ होता है उदारवादी। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है लेथार्जिक, लेथार्जिक का अर्थ होता है सुस्त, लेथार्जिक का अर्थ होता है सुस्त, ठीक है, लेथार्जिक का अर्थ होता है सुस्त। अब देखो, स्टिल फ्लैसिड एंड लेथार्जिक फ्रॉम लैक ऑफ ब्लड, खून की कमी की वजह से वह कमजोर और सुस्त महसूस कर रहा था। स्टिल फ्लैसिड एंड लेथार्जिक, खून की कमी से वह सुस्त और कमजोर था, ठीक है। ई डी एम्बल स्लोली इन फ्रंट ऑफ द बोडोर्स, दरवाजे की तरफ वो लड़खड़ाते हुए बढ़ा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही ऑप्शन हुआ वो हुआ मेरा ऑप्शन नंबर सेकंड थर्ड, लेथार्जिक। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 16 का कह रहा है, द गार्डनर हैज़ वाटर द प्लांट, गार्डनर हैज़ वाटर द प्लांट। जब भी मैं एक्टिव पैसिव की बात करता हूँ तो एक्टिव पैसिव में जिस किसी भी टेंस में होता हूँ मैं उससे जस्ट अगले वाले टेंस में पहुँच जाता हूँ। एक्टिव पैसिव बनाने की एक छोटी सी ट्रिक होती है कि जब भी मैं किसी टेंस में हूँ उससे जस्ट अगले वाले टेंस में मैं कर जाता हूँ। देखो, हैज़ वाटर्ड द बसेज, हैज़ वाटर्ड द बसेज, देखिए ये कौन सा टेंस है मेरा, ये है मेरा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट के जस्ट आगे वाले किस में जाऊंगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो अब देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के प्रयोग में किस में कर रहा हूँ, वर बीइंग वाटर्ड द बुशेज, वर बीइंग वाटर्ड इसमें नहीं है, देखो वर बीइंग ये मेरा सिंपल पास्ट में चला गया, आर बीइंग सिंपल प्रेजेंट में चला गया, ये बुशेज हैज़ बीन वाटर्ड, बुशेज हैज़ बीन वाटर्ड, द बुशेज हैज़ बीन, लेकिन बुशेज जो है वो झाड़ियों की बात कर रहा है, मतलब प्लूरल की बात कर रहा है, और यहाँ इसने प्रयोग कर दिया हैज़ बीन, यहाँ हैज़ बीन का प्रयोग कर दिया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। पहले ऑप्शन दिया है मेरा बुशेज हैव बीन, बुशेज हैव बीन वाटर्ड बाई द गार्डनर, बुशेज हैव बीन वाटर्ड बाई द गार्डनर। तो जो सही ऑप्शन है वो है मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द बुशेज हैव बीन वाटर्ड बाई द गार्डनर। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, चूज़ द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मुझे सही शब्द बताना है जिसकी स्पेलिंग में मिस्टेक है। देखो फील्ड, एफ आई ई एल डी, फील्ड, फील्ड का अर्थ होता है खेत, फील्ड का अर्थ होता है खेत, ठीक है। देखो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ शील्ड, शील्ड का अर्थ होता है कवच, शील्ड का अर्थ होता है कवच, शील्ड का अर्थ होता है कवच, इन दोनों की स्पेलिंग मेरी सही है। देखो फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है बिल्ड, बिल्ड का अर्थ होता है बनाना, बिल्ड का अर्थ होता है बनाना अथवा निर्माण करना, बनाना अथवा निर्माण करना, ठीक है, बनाना अथवा निर्माण करना। देखो पहला, दूसरा और चौथा। अब थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास गिल्ड, जी यू आई एल डी ई, ये जो सही होगा ये होगा जी यू आई एल डी, इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है संघ, संघ अथवा समूह, संघ, इसका अर्थ होता है संघ, ठीक है। तो इसमें जो स्पेलिंग मिस्टेक थी वो थी मेरी ऑप्शन नंबर थर्ड में, गिल्ड, जी यू आई एल डी ई, इसका जो सही ऑप्शन है वो है मेरा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। देखो, सेलेक्ट द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। देखो फेरोसियस, फेरोसियस, फेरोसियस का अर्थ होता है क्रूर, क्रूर अथवा भयंकर, क्रूर अथवा भयंकर, ठीक है, फेरोसियस का अर्थ होता है क्रूर अथवा भयंकर। देखो दूसरा ऑप्शन दिया है माइल्ड, माइल्ड का अर्थ होता है हल्का, माइल्ड का अर्थ होता है हल्का। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ टेम, टेम का अर्थ होता है पालतू, टेम का अर्थ होता है पालतू, ठीक है। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है कॉन्सर्टियस, इसका अर्थ होता है ईमानदार, ईमानदार, इसका अर्थ होता है ईमानदार, ईमानदार, ठीक है। तो मुझसे स्नू ने पूछा था फेरोसियस का, फेरोसियस का अर्थ क्या होता है, क्रूर अथवा भयंकर। मेरे पास पहला ऑप्शन दिया हुआ है फ्राइटफुल, फ्राइटफुल, फ्राइटफुल का अर्थ होता है भयभीत, फ्राइटफुल का अर्थ होता है भयभीत, फ्राइटफुल का अर्थ होता है भयभीत। तो जो सही सुनोनियम होगा मेरा फेरोसियस का वो होगा फ्राइटफुल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 अर्थ मेरा दिया हुआ है चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। एक शब्द मुझे चुनना है, एक शब्द चुनना है जिसका सही अर्थ क्या है और वही सेम मीनिंग दे। देखो वेगर,
वेगर का अर्थ होता है सट्टा लगाना, वेगर का अर्थ होता है सट्टा लगाना, ठीक है, वेगर का अर्थ होता है सट्टा लगाना। अब देखो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, क्रम्बल, क्रम्बल का अर्थ होता है टुकड़े टुकड़े होना, क्रम्बल का अर्थ होता है टुकड़े टुकड़े होना, ठीक है। स्क्रूटनाइज, स्क्रूटनाइज का अर्थ होता है छानबीन करना, छानबीन करना, स्क्रूटनाइज का अर्थ होता है छानबीन करना, ठीक है। देखो स्कर प्लस, इसका अर्थ होता है ईमानदार, इसका अर्थ होता है ईमानदार, ठीक है, इसका अर्थ होता है ईमानदार। तो मुझसे सट्टा लगाना एक शब्द था मेरा, वेगर, इसका अर्थ होता है सट्टा लगाना, इसका सिनोनिम पूछा था, सिनोनिम है मेरा चौथा ऑप्शन गैम्बल, गैम्बल का अर्थ होता है सट्टा लगाना, ठीक है, गैम्बल का जो अर्थ होता है वो भी होता है सट्टा लगाना, गैम्बल का अर्थ होता है सट्टा लगाना, ठीक है। तो अब हम 19 क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन था वो मेरा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। देखो द स्कल बोन्स ऑफ ए वुडपेकर हैज अ डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन एंड डेंसिटी। स्कल बोन्स ऑफ ए वुडपेकर, वुडपेकर कठफोड़ वागी जो मस्तिष्क की हड्डियाँ होती हैं, कठफोड़ वागी जो मस्तिष्क की हड्डियाँ होती हैं हैज़ अ डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन, उनका रासायनिक संगठन तथा घनत्व तो अलग होता है, तथा उनका रासायनिक संगठन और घनत्व तो अलग होता है, तो मुझे एरर बताना है। तो देखो शुरुआत, द स्कल बोन्स ऑफ ए वुडपेकर, एक कठफोड़वे की, एक कठफोड़वे की मस्तिष्क की हड्डियाँ, मतलब प्लूरल की बात कर रहा हूँ मैं। तो देखो पहला ऑप्शन नो एरर है, सेकंड है द स्कल बोन्स ऑफ, स्कल बोन्स ऑफ मस्तिष्क की हड्डियाँ, एक मस्तिष्क की हड्डियाँ, केमिकल कंपोजिशन एंड डेंसिटी, रासायनिक संगठन और घनत्व, तो जो मेरी गलती है वो है मेरी ऑप्शन नंबर फोर्थ में, वुडपेकर हैज अ डिफरेंट, द स्कल बोन्स ऑफ वुडपेकर हैव अ डिफरेंट, हैव अ, ठीक है, जो सही ऑप्शन है वो है मेरा ऑप्शन नंबर फोर्थ, सही होके होगा हैव अ, द स्कल बोन्स ऑफ ए वुडपेकर हैव अ डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन एंड डेंसिटी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही ऑप्शन हुआ वो हुआ मेरा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 21, डेजर्ट्स प्रोबेबली एग्जिस्टेड मच, डेजर्ट का अर्थ है रेगिस्तान, रेगिस्तान, रेगिस्तान अत्यधिक अत्यधिक हो सकते थे, एग्जिस्टेड मच और ज़्यादा टिक सकते थे मच। अब देखो पहले जगह में क्या आएगा, पहला जो फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है अर्नेस्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर वन, ठीक है। अब हमें फर्स्ट नंबर ब्लैंक में क्या भरना है, देखो अर्नेस्ट, अर्नेस्ट का अर्थ होता है बयाना, अर्नेस्ट का अर्थ होता है बयाना, अर्नेस्ट का अर्थ होता है बयाना, किसी चीज़ को खरीदने से पहले कुछ जो रकम दी जाती है थोड़ी बहुत, उससे मैं बयाना कहता हूँ, ठीक है। अब देखो दूसरा है अर्लीएस्ट, अर्लीएस्ट का अर्थ होता है सबसे पहले, ठीक है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है अर्ली, अर्ली का अर्थ होता है जल्दी, अर्ली का अर्थ क्या होता है जल्दी। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास अर्लियर, अर्लियर इसका अर्थ होता है पहले, अर्लियर इसका अर्थ होता है पहले। तो देखो डेजर्ट्स प्रोबेबली प्रोबेबली एग्जिस्टेड मच अर्लियर, मतलब शायद पहले रेगिस्तान ज़्यादा होते थे, शायद पहले रेगिस्तान ज़्यादा होते थे, शायद पहले रेगिस्तान ज़्यादा होते थे। तो अब देखो पहला ऑप्शन अर्नेस्ट, अर्नेस्ट जो है हाँ बयाना, कोई सेंस नहीं देगा, मेरा ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन दिया है अर्लेस्ट, अर्लीएस्ट, अर्लीएस्ट का अर्थ होता है सबसे पहले, सबसे पहले, तो ये भी मेरा गलत सेंस दे रहा, कोई अर्थ ही नहीं दे रहा। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है अर्ली, अर्ली का अर्थ होता है जल्दी, ठीक है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है मेरा अर्लियर, अर्लियर का अर्थ होता है पहले, तो डेजर्ट्स प्रॉबर्ली एग्जिस्टेड मच अर्लियर, मतलब रेगिस्तान पहले ज़्यादा होते थे, रेगिस्तान पहले ज़्यादा होते थे। तो जो सही ऑप्शन है मेरा 21 का वो है मेरा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ऑप्शन नंबर फोर्थ अर्लियर, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, माउंटेन रेंजेस दैट शेल्टर्ड देम फ्रॉम, माउंटेन रेंजेस दैट शेल्टर्ड देम फ्रॉम, पर्वतों की जो श्रृंखलाएं होती हैं, दैट शेल्टर, शेल्टर का अर्थ होता है शरण लेना, दैट शेल्टर डम, जो उन्हें शरण लेने लेती थी फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल्स का अर्थ होता है जानवर, एनिमल्स का अर्थ होता है जानवर, बर्ड्स का अर्थ क्या होता है पक्षी, पक्षियों, ठीक है। चौथा ऑप्शन दिया हुआ ब्रश, ब्रेक का अर्थ होता है भंगुर, ब्रश का अर्थ होता है भंगुर।
ब्रश का अर्थ होता है मेरा भंगुर, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं किसी माउंटेन रेंजेस के नीचे जाके शरण लेता हूँ तो किस चीज़ से बचने, अथवा धूप से बचने के लिए लूँगा अथवा बारिश से बचने के लिए लूँगा। किसी भी माउंटेन रेंज के नीचे जाके, पर्वत श्रृंखला के नीचे जाके अगर मैं उसकी छाँव में शरण लेता हूँ तो मैं बारिश से बचने के लिए लूँगा अथवा धूप से बचने के लिए लूँगा। लेकिन यहाँ पर इसने जो जिक्र किया है वो केवल बारिश का किया है, रेन रेन, ठीक है, धूप का जिक्र किया नहीं है। तो जो सही ऑप्शन है मेरा वो है मेरा ऑप्शन नंबर सेकंड, रेन। ग्लोब एरिड क्लाइमेट इन द ली ऑफ माउंटेन्स रेंजेस दैट शेल्टर्ड देम फ्रॉम, जो उन्हें शरण देती थी किससे, बारिश से, रेन, और इन द सेंटर ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्टिनेंटल रीजन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही ऑप्शन है मेरा वो है मेरा ऑप्शन नंबर सेकंड, रेन। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23, दिस वुड हैव बीन प्राइमरीली बिफोर द एवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म, शायद एंजियोस्पर्म के विकास से पहले हो सकता है। दिस वुड हैव बीन प्राइमरीली, यह हो सकता है शायद, बिफोर द एवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के विकास से पहले हो सकता है। विच आर एज सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट, जिन्हें, विच आर फिल इन द ब्लैंक, एज सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट मतलब बीज पैदा करने वाले पौधे प्रेजेंटेड का अर्थ क्या होता है, प्रस्तुत करना, ठीक है। देखो थर्ड ऑप्शन दिया हुआ समराइज, इसका अर्थ होता है संक्षिप्त विवरण, ठीक है। चौथा ऑप्शन दिया हुआ मेरे पास मैंडेटेड का अर्थ होता है अनिवार्य, ठीक है। अब देखो विच आर कैरेक्टराइज का अर्थ होता है चिन्हित करना, ठीक है। अब देखो यहाँ जो मेरा सही ऑप्शन है वो है मेरा ऑप्शन नंबर सेकंड, बिफोर द एवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म के विकास से पहले विच आर कैरेक्टराइज, जो चिन्हित किए गए थे एज सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट, जो चिन्हित किए गए थे किसकी तरह, बीज प्रोड्यूसिंग प्लांट, बीज उत्पन्न करने वाले पौधों की तरह, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही ऑप्शन है वो है मेरा ऑप्शन नंबर सेकंड, कैरेक्टराइज। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 24, ओनली अ फ्यू प्रीमेटिव प्लांट, कुछ ही ऐसे प्राकृतिक पौधे थे प्राइमरी, विच मे हैव बीन, विच मे हैव बीन स्लॉट का क्या अर्थ होता है, छिद्र या छेद, बिट का अर्थ क्या होता है, कम, टास्क का अर्थ क्या होता है, कार्य, पार्ट का क्या अर्थ होता है, पार्ट का अर्थ होता है हिस्सा। देखो ओनली अ फ्यू प्रीमेटिव प्लांट्स, कुछ ऐसे पौधे होते थे विच मे हैव बीन, जो हो सकते थे पार्ट ऑफ द एंशियंट डेजर्ट वेजिटेशन, पार्ट मतलब वो जो पुराने रेगिस्तानी सब्जियों का एक हिस्सा हो सकते थे। तो जो सही ऑप्शन है मेरा वो है मेरा ऑप्शन नंबर थर्ड पार्ट, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। देखो A fill in the blank is the bizarre conifer related tambua in the Namib desert of southwestern Africa. तो देखो सिग्नल का अर्थ क्या होता है, संकेत, साइन का अर्थ क्या होता है, इसका भी अर्थ होता है संकेत, इंस्टेंस का अर्थ क्या होता है, तुरंत अथवा तत्काल। तो देखो वन एग्जाम्पल, एक उदाहरण, इज द बिजार कन्फ्यूदर, एक कन्फ्यूदर होता है शंकुधारी वृक्ष, कोनीफर का अर्थ होता है शंकुधारी वृक्ष, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 25 का सही ऑप्शन हुआ मेरा ऑप्शन नंबर फोर्थ एग्जाम्पल। वन एग्जाम्पल इज द बिजार कन्फ्यूदर, जो शंकुधारी वृक्ष थे उनका एक एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ, टम्बुआ इन द नामीबिया के डेजर्ट में पाया जाता है, जो साउथ वेस्टर्न अफ्रीका का एक हिस्सा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का मेरा हुआ सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर फोर्थ।
चलिए तो फिर हमारा ये सेट यहीं कंप्लीट हुआ। तो देखिए हमने आप सब लोगों के लिए एक बुक तैयार की है। अगर आपको इस चीज़ के वीडियो सॉल्यूशन में कोई दिक्कत आती है अथवा पीडीएफ फॉर्मेट में बुक को समझने में आपको दिक्कत आ रही है, तो हमने एक ऐसी पुस्तक का निर्माण किया है जिसमें आपको क्यूआर कोड भी दिया जाएगा। उस क्यूआर कोड के माध्यम से आप उस पूरे सेट का सॉल्यूशन वाइज एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्यूआर कोड दिया हुआ है हर एक बुक सेट में, हर एक प्रैक्टिस सेट के साथ। तो मैं आपको बुक दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, ये देखिए, ये मेरी दो बुक हैं। पहला है ये मेरा सॉल्व पेपर दिए हुए हैं, इसमें 150 सॉल्व पेपर दिए हुए हैं। आप इसमें क्यूआर कोड को स्कैन करके सारे पेपर्स के सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। ठीक है, दूसरी बुक है मेरे पास, इसमें प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। इसमें भी मेरे पास क्यूआर कोड का ऑप्शन दिया हुआ है। इन सारे क्यूआर कोड को स्कैन करके मैं इनके सॉल्यूशंस देख सकता हूँ। आप एक बार बुक को देख लीजिए दोनों को। ठीक है, आप एक बार दोनों बुक को देख लीजिए। इन क्वेश्चंस को नए तरीके से करने के लिए आपको इसमें डिटेल सॉल्यूशन और क्वेश्चन को करने का कोई नया तरीका अगर आपको जानना है तो आप इनको क्यूआर कोड को स्कैन करके आप उस क्वेश्चन के करने के तरीकों को जान सकते हैं। ठीक है, तो बस आप देखिए इन बुक्स को परचेज करके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।